अदरवाइज हम आ चुके हैं मरीन लाइंस। जो यहाँ से एक घंटे तक यहाँ बैठे, उसके बाद चालान कटा, ज़्यादा नहीं 100 रुपये चालान कटा, जो मैं भरा भी नहीं। क्या ये सब इसका नज़ारा है। इसमें मेरे आने का बहुत मन था, यहाँ पे मैंने आ चुका है, यहाँ पे मेरा सपना पूरा हो चुका है यहाँ का। और बैग का भी वही हाल है, वहाँ मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस से अच्छी लगा है मुझे। ये यहाँ पे ये आंकड़े स्टेडियम के मैं पास हूँ, आई पी एल देखना हमको आंकड़े स्टेडियम में। टिकट भी है, मेरा जब मन तब जा सकता हूँ। मेरा पूरा मेरा पहला कभी इसमें एंट्री हो चुका है, जब मैं जा सकता हूँ इसमें वांखेड़े स्टेडियम में, कोई रोक नहीं है, मेरी मर्जी। मुंबई इंडियंस है, आंकड़ा स्टेडियम। रात हो रहा है, रात और या तो मज़ा आता है यहाँ पे, क्योंकि रात में यहाँ का रात का नज़ारा कुछ और आता है मुंबई का, पूरा लाइट रहता है यहाँ पे, देखने में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ये कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एक बार और देख लीजिए, यहाँ साफ हो गया, हो सकेगा तो मुंबई इंडियंस। ये है आंकड़ा स्टेडियम का गेट, गेट नंबर 3 है, और मालूम है किधर गेट है इसका, कुछ मुझे मालूम नहीं है। इसके इसका गेट है, अड्रे गेट नंबर 3 है। अभी यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, पहली बार
इसलिए तो इतना अच्छा लग रहा है, कितना सुनहरा। टाटा स्पॉन्सरशिप का पोस्टर लगा हुआ है। ये धीरे रात हो रहा है, अभी लाइट्स पूरा नहीं जली हुई है। इसमें ट्रैवलिंग कराते हैं पूरा मुंबई का, बताते हैं पूरा जगह का कहाँ कहाँ क्या है। आज तक वो आता है, इसमें पूरा एंकर घुस चुके हैं जो ऐसे भाषण देते हैं। शामिल ये रात हो रहा है यहाँ पे, गाड़ी है देखिए। यहाँ हम लाए थे घूमने के लिए, क्या करें, पहले ही फाइन मार दिया। टाइम बहुत अच्छा वो ले दिया हम लोग, मूड खराब कर पूरा मूड का दही दही बना के छोड़ दिया हम लोग का। इतना अच्छा आया था हम लोग यहाँ पे फोटो खिंचवाने, वीडियो बनाने, बल्कि पहले ही आके मेरा पूरा मूड ख़राब कर दिया, पूरा इतना गुस्सा आ गया मुझे। अकेली बोल रहा है दो सौ फाइन मारो, मैंने बोला अरे यार ये कैसा, तो बोल चाय पी तो बोल रहा आपने थूका है, मैंने बोला अरे कहाँ थूक दिया, तो बोला यहाँ पे, बोला थूकने के चार्ज 200 रुपये, यहाँ सिर्फ थूकने का चार्ज 200 रुपये है, कृपया यहाँ पर थूकने ना जाए क्योंकि 200 रुपये भर सकते हैं आप। बहुत अच्छा है, रात हो रहा है यहाँ का, अब नाइट्स होगा यहाँ पे, और नाइट्स में बहुत अच्छे यहाँ पे लगते मुंबई तो जानते ही होंगे। आप लोग सपोर्ट करते भी नहीं है हमको, हम आपको हर रोज़ एक नया लोकेशन दिखाता हूँ, ऐसा सपोर्ट करना है तो और आपको लोकेशन दिखाऊँगा। मास्क निकालने में बहुत यहाँ पाबंदी है, मास्क निकालेंगे तो मेरा नहीं, दो सौ फाइन मार रहे हैं। रमेश करने में सीधे बोला कि चलिए पुलिस स्टेशन, ज़्यादा नहीं सर 12 से मारना पड़ेगा, पुलिस से लाई नहीं जा रही। मेरे को भी फाइन मारा था सिर्फ थूकने का, जो मैंने लड़ झगड़ के 0 बैलेंस करवा लिया, बोला था वीडियो मैंने क्लिक किया है, उसको पता नहीं कि मैं बहुत तेज आदमी हूँ, मैंने इस पर वीडियो क्लिक नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसे लड़ झगड़ के पुलिस के पास कॉल किया था। मैंने समझा अरे सच में पुलिस के पास कॉल कर दिया होगा, बल्कि वो अपने आदमी के पास कॉल किया था। ऐसे वो चुतिया बनाते हैं दूसरे को, और वो सबसे अच्छा सबसे बड़ा ये बात है कि जो जो दिखने में लगते हैं जैसे कुछ मालूम नहीं रहता, उन्हीं पकड़ते हैं बिहारी, और अक्सर यहाँ पे उक्त बिहार के लोग पकड़ते हैं क्योंकि वो तो कुछ यहाँ के जानते भी नहीं है इसके बारे में क्या होता है क्या नहीं। मेरे को वैसे ही पकड़ते, बल्कि हमको तो यहाँ पर रहे हुए 6 महीने हो चुके हैं। फ़ोन किया था मैं, बोला बुलाओ यार क्या ज़रूरत है जाने का, वो बोला 10 या 15 मिनट में रुकाया, उसके बाद खुद वो छोड़ दिया हमको।